This is Gabby back here and let's start the video. क्या क्यों कैसे कब? क्या क्यों कैसे कब? क्या क्यों कैसे कब? क्या क्यों कैसे कब? देखो अब. हाँ 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 देखो अब. Hey guys, नमस्कार, वेलकम बैक. दोबारा बहुत दिनों बाद. वैसे आज यहाँ पे हम करने वाले हैं कुछ कमाल की चीज, क्योंकि मेरे पास आई है कमाल की चीज और क्या है वो आप खुद गेस करो. तो ये रही वो कमाल की चीज. पता लग रहा है? नहीं, थोड़ा सा टिल्ट करते हैं इसको. अभी 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 दिखा क्या? लो, फोकस करते हैं थोड़ा सा. तो ऐसे समझ में आया? नहीं आया तो फिर आप सामने से देख लो. तो फाइनली हमारे पास है आईफोन का एक मॉडल, नया मॉडल आईफोन XR, और हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसी आईफोन की. तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कमाल की चीजें निकलती हैं आज. तो भाइयों, ये आ गया हमारे पास आईफोन. सामने उसका डब्बा पड़ा हुआ है, बिल्कुल मस्त सा व्हाइट कलर का, और मतलब पैकिंग कमाल की होती है. यहाँ पे इसकी जो ऊपर की पन्नी है वो मैंने हटा दी है, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम होता नहीं है कि चाकू से इसका चीरफाड़ करें. तो फिलहाल हम इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि भाई क्या क्या है. तो ये भाई आईफोन XR 64GB का इसका मार्केट प्राइस जो है वो आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो. बाकी यहाँ पे डब्बे पे देखें तो भाई स्पेसिफिकेशन है कि इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको डब्बे के अंदर, और जो फोन के हाइलाइट्स हैं वो फीचर्स यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं. मेन चीज होती है यहाँ पे आपका फोन का जो IMEI नंबर होता है वो सब यहाँ पे स्पेसिफाई होता है. वो सारी चीजें यहाँ पे आपको आईफोन की ब्रांडिंग मिलती है दोनों तरफ, और यहाँ पे मिल जाता है आपका प्यारा सा खाया हुआ जूठा एप्पल का लोगो. ऊपर आपके फोन की जो फ्रंट पिक है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है. तो फिर चलिए इसको खोलते हैं यहाँ पे. तो खोलने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको. आईफोन में एक बहुत प्यारी चीज होती है कि आपको बस ऊपर का जो डब्बा होता है उसको पकड़ के उठाना है, और ये बहुत ही स्मूथली बाहर हो जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली आपको डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया लिखा रहता है, और कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. मतलब कि ये तो सबको पता है कि असेंबलिंग जो होती है आईफोन्स की इधर उधर हर जगह होती रहती है, लेकिन जो एप्पल की डिजाइनिंग होती है वो सिर्फ कैलिफोर्निया में, मतलब कि उसके हेड ऑफिस में होती है. तो यहाँ पे आप वो क्लियरली देख सकते हो. और फाइनली ये आ गया हमारे हाथ में आईफोन, आईफोन XR. इसको रखते हैं साइड में, आईफोन देखेंगे डिटेल्स में, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं डब्बे के अंदर क्या मिलता है. तो भाई ये जो सबसे पहले जो सबसे ऊपर इसका फ्लैप था जो कि ऊपर रखा हुआ था यहाँ पे टिका के, इसके अंदर आपको मिल जाते हैं एप्पल के स्टिकर्स जो कि आप रख के भूल जाते हो इधर उधर, शायद ही कोई यूज करता है इनको. उसके बाद यहाँ पे इनविटेशन आता है, हेलो एंड ऑल, जो भी मतलब स्पॉन्टेनियस फीचर्स होते हैं आईफोन के बारे में वो सारी यहाँ पे डिटेलिंग की गई है. यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका पिन जो कि होता है सिम इजेक्ट करने के लिए, तो सिम इजेक्टर पिन बोलते हैं इसको. और ये कुछ गाइडलाइंस है, यूजर गाइड वगैरह, तो इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, हटाते हैं इसको. अब बात करें इस डब्बे के अंदर की, तो यहाँ पे आपको मेन चीजें मिलती हैं जो कि आईफोन की एसेसरीज होती हैं आपकी. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाता है आपका एडेप्टर जो कि काम आता है आईफोन को चार्ज करने में. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा आपका एडेप्टर. उसके बाद आपको यहाँ पे साथ में मिलता है आपके ईयरफोन्स. तो ये ईयरफोन्स जो है इनका जो जैक होता है वो 3.5mm नहीं रहा, एप्पल ने काफी टाइम पहले उसको रिमूव कर दिया था. तो यहाँ पे जो आपको जैक मिलता है वो मिल जाता है आपको लाइटनिंग वाला. उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाती है आपकी डेटा केबल जो कि काम आती है डेटा ट्रांसफर के लिए, और उसके साथ ही ये कनेक्ट होती है आपके एडेप्टर के साथ आपके फोन को चार्ज करने के लिए. तो भाई ये यहाँ पे सिंपली तीन चीजें मिलती हैं. फिर फाइनली आते हैं हम अपने मेन डिवाइस पे. तो ये रहा हमारा आईफोन, और यहाँ पे इसको क्विकली हम बूट कर लेते हैं, देखते हैं कि भाई क्या होता है, और सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं, फोन को कर लेते हैं चालू. ये हमने नेक्स्ट किया और ये बोलता है गो होम. ये मतलब कुछ क्विक डिटेल्स बता रहा है कि आपको ऐसा ऐसा करना है. तो अगर जो फर्स्ट टाइम यूजर है उनके लिए काम की चीजें हैं, लेकिन मैं पहले चला चुका हूँ, तो चलो हम इसको जल्दी जल्दी स्किप करते हैं. एंड फाइनली वेलकम टू आईफोन, स्वाइप करना है, और ये हो गया आपका आईफोन XR यहाँ पे स्टार्ट. ये बाय डिफॉल्ट इसके वॉलपेपर आते हैं, और यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल्ड कुछ एप्लीकेशन आती है यहाँ पे. इसके बाद ऑफकोर्स मैंने यहाँ पे iCloud की सेटिंग वेटिंग डाल दी थी, तो वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा. तो डिटेल्स चेक कर लेते हैं आईफोन की कैसी थी. तो उसके लिए आप जाओगे जनरल में और यहाँ पे अबाउट में जाओगे. तो ये था अपना आईफोन XR, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा सीरियल नंबर वगैरह है. और तो भाई ये था आपका आईफोन, ये कर लिया हमने इसको चालू, और ये था व्हाइट कलर का आईफोन. ओके, फिनिशिंग की बात करें यहाँ पे, तो ये जो आईफोन है यहाँ पे फ्रंट में आपको ग्लास मिलता है, साइड में यहाँ पे आपको दो रॉकर्स बटन मिल जाते हैं वॉल्यूम अप डाउन के. ये आपका म्यूट और अनम्यूट का बटन मिल जाता है जो कि बेसिकली फोन को साइलेंट मोड और अनसाइलेंट मोड में करने में काम आता है. पीछे आपको मिल जाता है एक सिंगल कैमरा, उसके नीचे आपको मिलता है माइक, और उसके नीचे आपको LED फ्लैश मिल जाता है. इसके बाद यहाँ पे एक और रॉकर बटन मिलता है जो कि है इसका पावर बटन, एज अ सीरी भी काम होता है, सीरी को एक्टिवेट कर सकते हो. यहाँ पे आपको मिल जाता है सिम इजेक्ट करने का पोर्शन, और यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो अगर क्लैरिटी आ रही है. यहाँ पे देखो आप पिन डाल के सिम को बाहर निकाल सकते हो, सिम को यहाँ से डाल सकते हो. तो ये रहा यहाँ पे आईफोन, और बाकी
फ्रंट की बात हो गई, साइड में जो इसका बम्पर है वो पूरा एल्युमिनियम बॉडी है जो कि काम करता है एज ए एंटीना, तो इसके अंदर पूरा एंटीना कन्फिगर होता है और पीछे जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है ग्लास बॉडी। तो लुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्यारी है, काफ़ी एलिगेंट है और यहाँ पे देखने में फ़ोन लिटरली बहुत प्यारा लग रहा है। फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको आपका लाइटनिंग केबल यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए मिल जाता है, जहाँ से आप ईयरफोन को भी यूज़ कर सकते हो, फोन को चार्ज कर सकते हो। एक तरफ आपको स्पीकर मिलता है, एक तरफ आपको माइक्रोफोन मिल जाता है, तो ये भाई सारी चीज़ें। टॉप पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है। फ्रंट में यहाँ पे कोई बटन नहीं है, यहाँ पे बस आपको ऊपर एक ईयर पीस मिल जाता है जिसके अंदर आपका आईआर सेंसर है जो कि यूज़ होता है फेस आईडी की तरह, और यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह। तो ये थी सारी डिटेलिंग इस फोन के बारे में। 10 से स्क्रीन साइज जो है इसका थोड़ा सा बड़ा मिलता है यहाँ पे और फ़ोन के डायमेंशन भी थोड़े से बड़े हैं। तो भाई अगर आप आईफोन लेना चाहते हो और ट्राई करना चाहते हो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ कमाल की चीज़, तो आप जा सकते हो आईफोन XR के लिए। ये रहा आईफोन XR और ये थी सारी चीज़ें जो आईफोन XR के साथ मिली थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये था दोस्तों यहाँ पे हमारा नया आईफोन अनबॉक्सिंग कर दी हमने। इसके बारे में वैसे ज़्यादा बातें करी नहीं है, हमारा मेन फोकस था अनबॉक्स करने पे, तो वो भाई काम हो गया यहाँ पे। अब इसके जो फर्दर स्पेसिफिकेशन है, फर्दर क्वालिटीज़ है, क्या कमाल की चीज़ें हैं, आने वाली वीडियोज़ में आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म, आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।